जवानों के लापता होने की खबर। और बड़ी खबर सिक्किम से सामने आ रही है, जहां पर सिक्किम में बादल फटने की घटना आई और उसके बाद तबाही की भयानक खौफनाक तस्वीरों ने दिल दहला दिया। सैलाब की चपेट में आने से सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए सेना की तरफ से बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हे भगवान, मेरे देश के 23 बहादुर जवानों के साथ साथ सभी लोगों को बचा लेना। उत्तरी सिक्किम में लहुनक झील के ऊपर बादल फटने और तीस्ता नदी में आए सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस सैलाब ने बहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि सेना के 23 जवान लापता हो गए। वहीं एनडीआरएफ ने सिक्किम के सिंगतम से 7 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ की एक टीम गैंगटॉक में और 2 टीमें पश्चिम बंगाल के सिक्किम से सटे इलाकों में तैनात हैं। ये टीमें राहत और बचाव के कामों में लगी हुई हैं। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए। उन्होंने कहा कि सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर है और 41 वाहन कीचड़ में डूबे हुए हैं। तलाश एवं बचाव का काम जारी है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO बचाव अभियान चला रहा है और अभी तक 80 स्थानीय लोगों को बचा लिया गया है। गैंगटॉक जिले में सिंगताम पर बना लोहे का एक पुल बुधवार को तीस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से बह गया। इस पुल को इंद्रेनी पुल के नाम से भी जाना जाता है। 120 मीटर लंबा यह सस्पेंशन पुल तीस्ता नदी पर बना एक महत्वपूर्ण मार्ग था। सिक्किम सरकार के एक अधिकारी ने कहा, सिंगताम शहर के सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और नदी तट पर बसे दिक्चु गांव के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एक नजदीकी स्कूल में पहुंचाया गया है। हमारी भगवान से एक बार फिर प्रार्थना है कि भगवान जवानों के साथ साथ सभी को सकुशल बचा ले। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.